गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैसे आप वैल्यूएशन करते हैं अनसोल्ड स्टॉक का. ऑन 1 January 1999, ए सेंट्स 200 सुइंग मशीन्स कॉस्टिंग 40,000 टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर एट 5% कमीशन ऑन सेल्स. A paid 2500 rupees as freight and carriage for sending the machines. B sent the account sales on 31st March 1999 stating that 150 machines were sold for 32,000 rupees. Expenses incurred on inward consignment were octroi 400, carriage 100, ground rent 2100 and advertising and other selling expenses 1500. Calculate the value of the consignment stock on 31st March 1999. तो valuation हमें करना है consignment stock का, जो unsold stock है उसका. भेजी कितनी थी उसने? 200 sewing machines. बेची किसने कितनी उसने? 150 machines. तो मतलब जो unsold हैं वो कितनी है? 50. तो कॉस्ट ऑफ 50 अनसोल्ड सोइंग मशीन्स हमें निकालनी है. जो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस पर देख रहे हैं, तो उसने सेंड जब की थी वो की थी 200 की थी 40,000 पर. तो 40,000 को जब आप 200 से डिवाइड करते हैं तो पर सोइंग मशीन का कॉस्ट आया 200 रुपीस ईच. तो कॉस्ट ऑफ 500 अनसोल्ड सोइंग मशीन्स एट द रेट ऑफ 200 रुपीस ईच इज 10,000. अब इसके ऊपर आपने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, वो कौन से थे? कमीशन ऑन सोल्ड आपकी उससे रिलेटेड नहीं है, वो तो जब आपने सेल कर दी उसके बाद आएगा. तो क्या क्या एक्सपेंसेस भेजने पर लगाए गए, मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर देखने हैं कौन कौन से हैं. वो कौन कौन से हैं? जो कंसाइनर ने पे किए 2500 एज फ्राइट एंड कैरेज फॉर सेंडिंग दी मशीन. तो 2500 का प्रोपोर्शनेट निकाला, 2500 अगर 200 का है कॉस्ट तो 50 का कितना होगा? तो 2500 इंटू 50 डिवाइड बाय 200. देन एक्सपेंसेस इनवर्ड कंसाइनमेंट पे जो किए कंसाइनी ने, ऑक्ट्राई, कैरेज, ग्राउंड रेंट, एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस. इसमें नॉन रिकरिंग कौन से हैं और रिकरिंग कौन से हैं? नॉन रिकरिंग जो हैं दैट इज ऑक्ट्राई एंड कैरेज, और जो ग्राउंड रेंट और एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेलिंग है वो रिकरिंग नेचर के हैं. तो सिर्फ 400 और 100, जो 500 रुपीस है वो आपके नॉन रिकरिंग है. तो 500 इंटू 50 डिवाइड बाय 200, ये प्रोपोर्शनेट निकल गया. तो आ गया आपका वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है हमारा. ऑन 1 January 2007 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,50,000 वर कंसाइंड बाई अरविंद ऑफ बैंगलोर टू बेंगलुरु टू रोहित ऑफ चेन्नई. अरविंद पेड फ्राइट रुपीज 5,000 एंड इंश्योरेंस रुपीज 1,000 फॉर सेंडिंग दी गुड्स. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दो पर्सन्स के बीच में जो स्टोरी चल रही है आप उस एंगल से उसे पढ़ेंगे, एक स्टोरी की फॉर्म में आप उसे पढ़ेंगे. अरविंद ड्रू ऑन रोहित अ 3 month बिल फॉर 1,60,000 एज एन एडवांस. द बिल वॉज डिस्काउंटेड फॉर 1,55,000 रुपीज. 75% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय रोहित फॉर 2,40,000 रुपीज. द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय रोहित वर ऑक्ट्राई 1,500, गोडाउन रेंट 2,000 रुपीज एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 2,500 रुपीज. रोहित इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 8% ऑर्डनरी कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन. अज्यूमिंग दैट रोहित पेड द अमाउंट ड्यू बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड द कंसाइन. तो हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और लेजर से जर्नल एंट्रीज आप बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ अरविंद, कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे और क्या क्या एंट्रीज होगी. तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा
और उसके बाद रोहित का अकाउंट बनेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये तो जर्नल एंट्रीज में जो जो हमारे आते जाएंगे टर्म्स उसके अकॉर्डिंग बनता जाएगा। जो मेन है दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा मेन है। तो सबसे पहले उसने गुड्स सेंट की 250 रुपीज की फॉर बेंगलुरु ऑफ बेंगलुरु के अरविंद ने सेंड की रोहित ऑफ चेन्नई को। तो 250 की उसने गुड्स सेंड की, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 250। उसके बाद उसने उसके ऊपर कुछ खर्चा किया। खर्चा क्या क्या किया उसने? 5000 पे किए एज फ्राइट एंड 1000 पे किए एज इंश्योरेंस। तो इसके अलावा इस नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम। अरविंद ने बिल ड्रू किया 160 का, बिल डिस्काउंट करवाया 155 का। रोहित ने 75% गुड्स को सोल्ड किया और एक्सपेंसेस जो रोहित ने इनकर किए वो हैं ऑक्ट्राई, गोडाउन रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो टू कैश कंसाइनर मतलब अरविंद ने जो जो खर्चा किया फ्राइट और इंश्योरेंस, देन रोहित ने जो जो खर्चा किया ऑक्ट्राई, गोडाउन रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अब रोहित को आपने कमीशन भी देनी थी, 8% ऑर्डनरी कमीशन और 2% डेल क्रेडिट कमीशन। और जो डेल क्रेडिट कमीशन है वो टोटल सेल्स पर दी जानी है। टोटल सेल्स रोहित ने कितनी की है? 240 की। तो बाय रोहित अकाउंट सेल्स 240 आ गया। 240 के ऊपर ही आपने कमीशन भी निकाली। अब उसने सोल्ड कितना किया है? 75% सोल्ड उसने किया है, मतलब 25% स्टिल अनसोल्ड है। और टोटल कितना उसने भेजा था कंसाइनमेंट? 250 का। तो 250 का 25% जो है वो अनसोल्ड है। तो वैल्यू करते हैं इसको, वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 25% ऑन 250, तो 625,000 आ गया। अब फ्राइट इंश्योरेंस एंड अगर हम ये दोनों नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं तो दोनों का ही टोटल हो गया 6000। 6000 का 25% आपने प्रोपोर्शनेट ऐड कर दिया। देन जो रोहित ने इनकर किए एक्सपेंसेस उसमें कौन कौन से हैं जो नॉन रिकरिंग के हैं? ऑक्ट्राई है सिर्फ, बाकी गोडाउन रेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस तो आपके रिकरिंग नेचर के हैं। तो जो 1500 है उसका प्रोपोर्शनेट हमने यहाँ पर ऐड करिए। तो टोटल कॉस्ट अनसोल्ड स्टॉक की आपकी आ गई। तो अनसोल्ड स्टॉक आपने लिख दिया यहाँ पर बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब इसको आप बैलेंस करेंगे। देखिए एक जिस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ठीक उसी तरीके से बन रहा है हमारा, कि ओपनिंग कैसे शुरू हुआ, क्लोजिंग क्या है हमारा, सेल्स कितना हुआ हमारा और क्या क्या एक्सपेंसेस आपने इनकर किए। जब दोनों को बैलेंस किया हमने तो आपका प्रॉफिट आ गया। देन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने की सेंड की थी आपने? 250 की। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 250 आ गया और इसे ट्रांसफर करेंगे लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में तो 250। अब रोहित का अकाउंट देखते हैं, ये मेन है। अब कंसाइनमेंट उसे मिला था 250 का, लेकिन उसने सेल कितने की? 75% जो किया वो किया उसने 240 का। तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 240 की। बिल उसने ड्रॉ किया था 160 का, तो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंटिंग एक्सपेंसेस उसने टोटल जो थे इनकर किए थे 6000, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 6000। कमीशन उसे जो मिलना था तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 24,000 रुपीज़। तो दोनों को बैलेंस करेंगे आपका तो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो ड्यू है। तो अब इसमें देखिए रोहित का पर्सनल अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये क्या क्या अमाउंट उसे पेबल है और कितना उसने सेल्स किया है। देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीव किया आपने 160 का टू रोहित अकाउंट, डिस्काउंट करवाया उसे 155 का, तो बाय बैंक अकाउंट 150 और बाय डिस्काउंट अकाउंट 5000। देन ये जो बिल रिसीवेबल पर आपको डिस्काउंट 500 जो आपका एक तरीके से एक्सपेंस हुआ है इसे भी हम ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल अकाउंट में। तो डिस्काउंट अकाउंट हमने बनाया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000, बाय पी एंड एल अकाउंट 5000 आपने उसे P&L में ट्रांसफर कर दिया। देन स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पर जो भी आपका अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है उसकी एंट्री हम कर रहे हैं। तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आई थी बाय बैलेंस उसका 64375 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये था जो जो एंट्रीज
जो अकाउंट्स बनने थे हमारे कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अब हम देखते हैं कंसाइनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अरविंद कंसाइनर जो है उसका अकाउंट, तो जो एंट्रीज हमने अरविंद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाई थी, यहाँ पे ये देखिए जो एंट्रीज हमने यहाँ रोहित के अकाउंट में बनाई थी, इसकी ऑपोजिट एंट्रीज हमारी चली जाएंगी जब हम अरविंद का अकाउंट बना रहे हैं। तो बाय बैंक अकाउंट 240, टू बिल्स रिसीवेबल 160, टू कैश अकाउंट 6000, टू कमीशन अकाउंट 24000 एंड टू बैंक अकाउंट 50000। ऑलमोस्ट वही आपकी जो रिवर्स एंट्रीज है वो हो जाएंगी। तो ये देखिए रोहित ने, इसने दिया, उसने लिया, उसने एक्सपेंसेस किए, उसको एक्सपेंसेस को भेज रहा है, उसने पे करने हैं, एग्जैक्टली सेम वही एंट्रीज को ऑपोजिट साइड पर हम लिख देते हैं। देन बिल्स पेबल अकाउंट, तो बाय अरविंद अकाउंट 160, टू बैंक अकाउंट 160, कमीशन अकाउंट बाय अरविंद अकाउंट 24000, टू पी एंड एल अकाउंट 24000। तो यहाँ से जो लेजर अकाउंट्स आपने बनाए इससे आप जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर टू, इसी में एक चीज़ अगर हम बात करते हैं दैट इज सिक्योरिटी वाले पार्ट की, तो व्हाट शेल बी द चेंज इन द सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन वन इफ द कंसाइनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी विद कंसाइनर फॉर द अनसोल्ड स्टॉक। जब हमने ऊपर टर्म्स पढ़ी थी कंसाइनमेंट में जो यूज़ होती हैं, तो हमने वहाँ सिक्योरिटी की बात की थी कि एडवांस में जब कंसाइनमेंट भेजा है कंसाइनर ने तो वो सिक्योरिटी रखवाता है कंसाइनी से। तो यहाँ वो अनसोल्ड जो आपका स्टॉक है उसके प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी रखवा रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ अरविंद रोहित के अकाउंट में क्या चेंज होगा, बाकी चीज़ तो वही है। देखिए कंसाइनमेंट सेल्स 240 हमने लिखा, बाय बिल्स रिसीवेबल 160, कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस लिख दिए, कंसाइनमेंट कमीशन लिख दिए। जो डिफरेंस है दैट इज हमने जो उसका सिक्योरिटी है उसका प्रोपोर्शनेट यहाँ पर एडजस्ट किया। तो आपका प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी अनसोल्ड गुड्स का जो बिल्स रिसीवेबल, एक तरीके से जो आपने सिक्योरिटी रखवाई थी बिल्स रिसीवेबल, वो था 160 का, तो और अनसोल्ड कितना था आपका 25%। तो 160 का 25% कितना आया 40,000। तो 40,000 आपने बैलेंस सीडी रखा यहाँ पर, और जो बैलेंसिंग फिगर है बैंक का दैट इज 90,000 आपका आ गया। और इसी को जब हम शो करेंगे इन दी बुक्स ऑफ रोहित अरविंद के अकाउंट में तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए जो जो फिगर्स यहाँ पे हैं वो फिगर्स यहाँ आ जाएंगे, और जो आपने यहाँ लिखा है वो फिगर्स यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में रिगार्डिंग प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी फॉर अनसोल्ड स्टॉक, तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।